सुधा बिंदु सांस्कृतिक सामाजिक साहित्यिक मंच के तत्वधान में आचार्य पंडित शरद चंद्र मिश्रा ज्योतिषाचार्य की पुस्तक ग्रह भाव फलकत्नम का लोकार्पण भगत चौराहा स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव शुक्ला के अलावा विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर अनंत मिश्रा व गोरखपुर विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभाग के आचार्य डॉक्टर मुरली मनोहर पाठक सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान अतिथियों ने पंडित शरद चंद्र मिश्रा के द्वितीय कृति ग्रह भाव फलकत्नम नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुस्तक के लेखक ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित शरद चंद्र मिश्रा ने कहा, हम आपका इस आयोजन में ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत और वंदन करते हैं। आपका मैं अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर मुरली महाराज। यह आयोजन ऐसे संत विचारों से समाज को आलोकित तो करते ही है, लेकिन यह स्थिति ऐसी है कि जो कुछ ग्रहण करेंगे और समाज को सुबोध करेंगे, परोसेंगे, अच्छी बातों को, अच्छे ज्ञान को, जो भी चीज इस पुस्तक में लिखी गई है। ग्रह भाव फल कथनम है, इसमें ग्रहों का किस भाव में क्या फल है इसका पूर्ण रूप से निरूपण किया गया है। 9 ग्रहों के अतिरिक्त 3 ग्रह और हैं, प्लेटो, नेपच्यून एंड हर्सल, जिसका विवेचना जो अन्य पुस्तकों में बहुत कम प्राप्त होता है। मैंने उसका भी जो है इसमें मार्गदर्शन किया है, दिग्दर्शन किया है, इसको मैंने लिखा है। और यह मानव जाति के लिए, संपूर्ण समाज के लिए क्या कैसे कल्याणकारी है, इसको अवगत करके, जान करके किस तरह से अपने जीवन को समुन्नत बनावे, इसके विषय में भी मैंने विवेचना किया है इस पुस्तक में। है प्राचीन भारतीय जितने हमारे प्राचीन आचार्य हुए हैं उनके फल कथन को देख करके, उसका निरूपण करके और उसके बाद पूरी समीक्षा करके और पूरे अपने जीवन में 30-40 वर्षों के अंतराल में मैंने जो अनुभव प्राप्त किया उसको भी मैंने इस पुस्तक में जो है निरूपित किया हूँ, इसमें मैं लिखा हूँ। तो ज्योतिष से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी इस पुस्तक से लाभ मिलेगा। यह पुस्तक जो है ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही, साथ साथ यह आम जन जो है इसको पढ़ करके भी लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि इसकी भाषा मैंने बड़ा क्लिष्ट नहीं किया है। क्लिष्ट भाषा होने पर वह मात्र एकेडेमिक लोगों के लिए ही उपयोगी होता है, जन सामान्य उसे पृथक हो जाता है। तो मैंने ऐसा इस पुस्तक में किया है कि इस पुस्तक से जन सामान्य और ज्योतिष जगत से जुड़े हुए जो लोग हैं सभी लाभान्वित हो सकें।